आरोग्य जागृति। दोस्तों, आज हम चलेंगे जालना के दीपक हॉस्पिटल। यहाँ हम मिलेंगे दीपक हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर संजय राख जी से, जो लैप्रोस्कोपिक सर्जन हैं। मराठवाड़ा में डॉक्टर संजय राख, ये नाम पिछले 25 वर्षों से शायद ही कोई जिला हो जो इन्हें नहीं जानता। और जालना में दीपक हॉस्पिटल का निर्माण करके राख जी ने अपने स्वर्गीय माँ का सपना पूरा किया और मरीजों की सेवा करके उनके परिजनों का आशीर्वाद भी लिया। ऐसे ही ईश्वर रूपी डॉक्टर संजय राख जी से आरोग्य जागृति में आपसे मुलाकात कराते हैं। चलिए हमारे साथ। चलिए जानते हैं लैप्रोस्कोपी सर्जरी क्या होती है, इसके फायदे कैसे और नुकसान क्या होते हैं, और आरोग्य जागृति के माध्यम से आप पेशेंट एजुकेशन जो कर रहे हैं उसके लिए आपको बधाई भी देता हूँ। मैं 1996 से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कर रहा हूँ। दुनिया में ये लैप्रोस्कोपिक सर्जरी अराउंड 1989 शुरू हुई, भारत में 91-92 में आई। 96 से मैं इस लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का मराठवाड़ा में पायनियर हूँ। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी यानी क्या? हम पहले पेशेंट के पेट पर या छाती में बड़े कट्स लेके ऑपरेशन करते थे, जो कोई ऑपरेशन होते थे, पर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के माध्यम से हम बारीक से सुराख करके वहाँ से अंदर दूरबीन डालते हैं और बाकी और सुराख करके वहाँ से इंस्ट्रूमेंट यानी औजार डाल के जो भी भाग निकालना है या जो भी भाग रिपेयर करना है उसको करते हैं। 1996 से आज ये बहुत बड़ा लंबा प्रवास है और इसमें 25 साल गुजर गए हैं। पहले था कि सिर्फ कुछ गिनी चुनी ऑपरेशंस लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से होती थी, यानी अपेंडिक्स हो या पित्ताशय का ऑपरेशन हो या कुछ गर्भाशय के ऑपरेशन या फिर अंडाशय के ऑपरेशंस, पर आज नियरली सब ऑपरेशंस लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से होने लगे हैं। हालांकि हार्ट के ऑपरेशंस भी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से होते हैं, उसको थोरैकोस्कोपी कहते हैं। अभी कैंसर के सब ऑपरेशन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से होते हैं। इसके फायदे क्या है? हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से क्यों करते हैं? एक तो है कि बड़ा कट यानी बड़ा स्कार जिसमें इन्फेक्शन होने का डर रहता था, हर्निया होने का डर रहता था, अभी सिर्फ होल्स होते हैं। इसके वजह से पेशेंट की जो रिकवरी है, पेशेंट ऑपरेशन के बाद में बहुत जल्दी और अच्छी तरीके से रिकवर होता है। दूसरी बात, इन्फेक्शन रेट बहुत कम रहता है। तीसरा, ब्लीडिंग के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में मैग्निफिकेशन बहुत होने की वजह से क्लैरिटी बहुत अच्छी मिलती है। तो हम डिसेक्शन यानी कोई भाग कट करना है, कोई कैंसर के कुछ भाई लिम्फोड निकालना है या कोई पार्ट निकालना है, बहुत अच्छी तरीके से निकाला जा सकता है। तो फिनिश बहुत अच्छा आता है। अभी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के माध्यम से ऐसी कोई सर्जरी नहीं बची पेट में जो होती नहीं है। कुछ लिमिटेशन अभी भी है, क्योंकि बाद में अगर कोई पार्ट बाहर निकालना पड़ा तो कभी कभी उसको थोड़ा ओपन में कन्वर्ट करके हम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, लैप्रोस्कोपी सर्जरी के बारे में लोगों को जन जागृति मतलब उसके बारे में जागरूक नहीं है, तो ऐसे इसमें कोई डॉक्टर भी कन्फ्यूजन रहते हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, एक बेसिक प्रॉब्लम यह है कि आज भी कुछ सर्जन्स, काफ़ी सारे सर्जन्स लैप्रोस्कोपिक सर्जरी नहीं करते हैं और उनको भी इसके बारे में कुछ रॉन्ग कंसेप्ट है या गलत फहमियाँ हैं, और फिर वो पेशेंट्स को भी वो पास ऑन करते हैं और काफ़ी पेशेंट्स को भी है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी 100% हर एक पेशेंट में सक्सेसफुल हो गई क्या? नहीं, कभी कभी हमको ओपन में कन्वर्ट करके वो सर्जरी पूरी करनी पड़ती है। उसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस है क्या? हाँ, छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशंस है, कभी कभी ब्लीडिंग हो सकता है। हम जो गैस कार्बन डाइऑक्साइड जो पेट में छोड़ते हैं, कभी कभी उसका एम्बोलिज्म भी हो सकता है। हर्निया की सर्जरी जो लैप्रोस्कोपी से होती है उसमें थोड़ा फ्लूइड कलेक्शन या ये हो सकता है, पर ओपन सर्जरी से कॉम्प्लिकेशंस की रेट काफ़ी कम है। अभी आप गलत फहमियाँ बोलेंगे पेशेंट्स में, क्या गलत फहमियाँ? भाई, ये ऑपरेशन आधा अधूरा रहता है, पूरा हो नहीं पाता है, कंप्लीट ऑपरेशन नहीं होता है। काफ़ी बार कंकर का ऑपरेशन रहा तो बोलते पेशेंट आधा कंकर बच जाता है, या अपेंडिक्स आधा ही निकलता है, या पित्ताशय पूरा निकलता नहीं है। ऐसे काफ़ी गलत फहमियाँ हैं, पर जब भी पेशेंट हमारे पास आता है हम उसको पुराने वीडियोज़ बताते हैं, हर एक चीज़ बताते हैं, उसको समझा के बोलते हैं, तो पेशेंट समझ जाते हैं। आज जो पेशेंट का बाईपास या एंजियोप्लास्टी हुआ है,
ऐसे पेशेंट में लैप्रोस्कोपी सर्जरी करने में कोई दिक्कत है या फिर कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं क्या? ये देखिए, बाईपास या एंजियोप्लास्टी वाला जो पेशेंट है वो पहले हार्ट डिजीज का पेशेंट है, तो ऐसे पेशेंट में एनेस्थेसिया यानी भूल का रिस्क थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी बात है, हम कार्बन डाइऑक्साइड पेट में छोड़ते हैं, इसके वजह से थोड़ा CO2 लेवल ज़्यादा रह सकते हैं। पर ऐसे आजकल के नए ज़माने में जहाँ अच्छे सेंटर में पूरी एनेस्थेसिया की अच्छी फैसिलिटीज़ हो, मॉनिटरिंग अच्छा हो, तो ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशन या बड़े कॉम्प्लिकेशंस होने का डर नहीं है और हम ऐसे काफ़ी पेशेंट्स में लैप्रोस्कोपी के ऑपरेशंस कर रहे हैं। इतने मागास जिले में आपने ये कैंसर यूनिट डालने का क्यों सोचा और इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? मैं जैसे बोलो 1994 से यहाँ पर काम कर रहा हूँ और मेरे माताजी पिताजी तो 1963 से जालना में काम कर रहे हैं। हमारे ज़िले में मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत कम हैं। हमारी माताजी की, वो अभी नहीं है, उनकी बहुत इच्छा थी कि एक कैंसर सेंटर जालना में होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए? क्योंकि कैंसर के पेशेंट का प्रमाण अपने सोसाइटी में इतने बड़े तरीके से बढ़ रहा है और आज भी अपने देश में कैंसर के सेंटर्स जो हैं बहुत कम हैं। तो काफ़ी बार पेशेंट हमने देखा है, ग्रामीण इलाके के हो या गरीब पेशेंट्स हो, वो बॉम्बे, औरंगाबाद, पूना नहीं जा पाते क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट 6 महीने चलती है, रोज हॉस्पिटल जाना पड़ता है या हफ्ते में 2 बार जाना पड़ता है, हफ्ते में 3 बार जाते, तो पेशेंट अवॉइड करते हैं, नहीं जाते और वो सफ़र करते हैं। तो ये सोच थी कि भाई मेरे ज़िले के पेशेंट में कैंसर की ट्रीटमेंट उनको मिले, अच्छी तरीके से मिले, वेरी गुड क्वालिटी की, जो बॉम्बे में मिलती है या औरंगाबाद में या पूना में मिलती है, हमारे ज़िले के पेशेंट, ये हमारी मंशा थी। दूसरी बात, आज हमारे ज़िले का पॉपुलेशन 20 लाख है। देखिए, जो डेटा कहता है कि हर साल 2000 पेशेंट 10 लाख पॉपुलेशन में नए कैंसर के आते हैं, यानी मेरे ज़िले में 4000 पेशेंट नए आते हैं। मेरा सेंटर बहुत ज़्यादा हमने ट्रीट किया तो साल में 1.5 से 2 हज़ार पेशेंट ट्रीट कर सकता है। तो आज भी काफ़ी सेंटर्स की ज़रूरत है और कैंसर का इंसिडेंस हमारे समाज में बहुत बढ़ रहा है, उसके भी कारण हैं। उसके लिए भी हमने, समाज ने सोचना चाहिए, गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए, क्योंकि जो तरुण बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं, उन्होंने गुटखा हो या शराब हो या स्मोकिंग हो, इसके वजह से इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है। इस पर रोक कहीं ना आनी चाहिए। पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, पोल्यूशन पे रोक आनी चाहिए। दूसरी बात है, हम लोग प्रोसेस फूड्स जिसमें केमिकल्स होते हैं या इंसेक्टिसाइड्स, इसका प्रमाण बढ़ रहा है जिसके वजह से कैंसर बढ़ रहा है। ये सब चीज़ें हमने सोचने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। हॉस्पिटल तो बहुत अच्छा बनाया है, सब लोगों को फ़ायदा हो रहा है, अब इसके आगे जाके कैंसर पेशेंट के लिए या और पेशेंट के लिए आपका योजना क्या क्या है? आज तो हम कैंसर के पेशेंट का रेडिएशन हो या कीमोथेरेपी हो या ऑपरेशन हो, इसके बारे में ट्रीटमेंट कर रहे हैं। पर सबसे अहम बात है कि हर एक पेशेंट कैंसर का आज भी हम लोग क्योर नहीं कर पाते, तो ये पेशेंट का ट्रीटमेंट काफ़ी दिन चलता है। ट्रीटमेंट में भी ऐसी चीज़ें हैं जिससे पेशेंट बहुत कमज़ोर हो जाता है, तो ऐसे पेशेंट को पैलेटिव केयर यानी उसको, उसका डाइट ठीक रखना, उसकी मानसिक संतुलन अच्छा रखना, उसका मूड अच्छा रखना, इसे एक पैलेटिव सेंटर, केयर सेंटर हम बनाना चाहते हैं। हमारी इच्छा है कि अगले 2 साल में हम ये सेंटर बना पाएँ, एक अच्छा सेंटर जहाँ पेशेंट टर्मिनल एल यानी उसका एंड पॉइंट आ गया है कैंसर का, 1 महीना 2 महीने 4 महीने वो जिएगा, पर उसको वहाँ की जो ज़िंदगी मिलनी चाहिए वो ये रिस्पेक्टफुल और कम से कम तकलीफ़ वाली, जो भी उसके बचे हुए दिन हैं, और थोड़ी सी तो उसके चेहरे पे हंसी आनी चाहिए, ये सोच है और हम जल्दी 1-2 साल में करेंगे। डॉक्टर संजय साहब ने जो अपने को पूरी जानकारी दी है काफ़ी अच्छी है, लैप्रोस्कोपी के बारे में या कैंसर के बारे में, और जो उनके जुनून है काम करने का या फिर उन्होंने अभी जो अगला प्लान है पैलेटिव सेंटर जो बनाना चाह रहे, ये सही भी सराहनीय है।